नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे सोनमा हरन उर्फ पथरी घर की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 13 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 14। क्या हुआ बेटे? मैंने चारों पति देख रहा हूँ, अपना माँ पर नजर नहीं पड़ रहा दादाजी। भाई के बाप, ये तो बहुत बात बोल रहा है। राजमहलिया का नाम सुनता है तो अच्छा अच्छा राजा दबक जाता है, लेकिन बेटा तुम्हें जानता है कि नहीं? अरे तुम्हारी माँ है जो देवी का पुजारी है, वो सात खंड महल में पूजा करने जाती है। बताओ तो सात खंड महल में गया है, वहाँ देखा है क्या? चाची मेरे सर पर तो मैंने फूल रहा हूँ मामा, क्या वहाँ भी नहीं है? भाई रुदाल क्या हुआ? ए भाभी, सात खंड महल में भी नहीं है तो कोई कारण जरूर है, जरूरी है। अगर भाभी नैनागढ़ में भी जाती तो माँ शीतला को बता कर जाती, बेटा इंद्र को साथ लेकर जाती। और भाभी सात खंड महल में भी नहीं है, कोई ना कोई कारण जरूर है। तो कोई कारण जरूर है। सुनिए दोस्त, क्या सोचना होना चाहिए। क्या करें? इसलिए कि पता लगाया जाए जो रानी है तो कहा है। आपका भी कहना सच बात जोड़ी। क्या मैं अपने पात्रा में भी देख रहा हूँ तो भाभी के बारे में पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चलता, पात्रा में भी पता नहीं चलता है। अच्छा तो गुरु महाराज आपका कदम उठाई के बढ़ाया है तो आपकी बात पर आपका पेट पर जब पेट पर बढ़ाते हैं तो सब नगर में पर पाया।
और ये देखिए कि कैसे पता लगेगा वेद में देखिए जोड़ी क्या मैंने वेद को भी उच्चार कर देख रहा हूँ तो भाभी के बारे में पता नहीं लगता है लेकिन जब नयनागर में हम लोग प्रास साथ कर गए थे तो एक बात को हमें ख्याल आ गया क्या है सुन लीजिए बताइए आप भाभी हमारे सोनवा के पूछवा में लगे हो आ जोड़िया हम लोग प्रासाद के नयनागर में गए थे ना जब भाभी को शादी रचाए भैया के साथ तो भाभी को खोइछा में गीत और एक गिधिन मिली थी हाँ मिली थी ना और जानते हैं गीत गिधिन कहाँ रहती है मेहेंद्र पर्वत पे रहती है इसमें द्वारपाल को भेजिए और गीत गिधिन को बुलाइए द्वारपाल एक कम को बैठे जब तुम महल में और अपने दादी के साथ में खेल मिलकर रहो और तुम्हारी मां को मैं पता लगाता हूँ धरती पर कोई कोना पर रहेगी तो मेरा चाहने नहीं कि मैं पता लगा के खोज कर के लिया हुआ क्या बेटा वही तो मैं मेरा जाओ और कल अपना मत बेटे क्या मेरा मां दर्शन नहीं तो मेरा चैन नहीं आता है हां ये तुम्हें मानता हूं बेटे तुमने इस कचरी पर मान होता है मां भी दुलार करके जान पर बैठा के खिला खिलाते हैं
अच्छा जाओ दादी के साथ में रहो बेटे और मैं पता लगाता हूँ कहाँ कैसे क्या हुआ। चाचा जी ठीक है भाई दादा। अरे बच्चा है हो सकता है भाभी फूल तोड़ने के लिए गई होगी। अच्छा तो महल पर तुरंत आप दिखाने का मतलब तेरे महल में आएगी तो बेटा ये बता दे इतना जल्दी हजार जाता है छात्री का बेटा हो गई इतना जल्दी हजार जाएगा बताओ हम लोग को मनहानी होगा कि नहीं। मैं नहीं देखता हूँ मेरा सामने नजर के पास है बेटा। इसमें भाभी फूल तोड़ने के लिए भी जा सकती है स्नान करने के लिए भी जा सकती है कि नहीं ये बताओ। चिंता क्या करता है अरे मैं हम लोग जब भाई गए चना और हम हैं तो फिर देख क्यों चिंता करता है। जाओ बेटे जाओ ठीक है दादा मैं चल रहा हूँ जाओ। दरबार सुनो ये हजूर जाओ और पर्वत पर से गिधिया जटाई को बुला करके ले आओ। ठीक है मैं भाई क्या इसमें द्वारपाल तो चला गया अब हम लोग क्या करना चाहिए। अब हम लोग सोचो बिचारो क्या करेगा या नहीं है तो बेबिचार करके देखो नहीं तब तक का द्वारपाल गया है हमें लग रहा है भाई जान राज महल में हम दोनों भाई चल कर खोज रहे हैं चल चलिए चलिए हम दोनों के पास खोज राजमहलिया में चलो चलिए आइए चलिए द्वारपाल बुलाने के लिए गया है कि किनको तू अभी तक पता नहीं है और व्याकुल हो रहा है ये नदी उदास जा रहा है नगर भवा ये फ्री भाई दर इस समय द्वारपाल गया है तो हम दोनों भाई बैठ कर आशा जोते हैं अगर आया तो ठीक है
नहीं तो जानते हैं क्या करना है। एक आदो किला को विनाश करके रख देना है। जबकि हमारी भाभी नहीं रहेगी तो एक आदो किला किस लिए रहेगा? ठीक है, इसमें बैठ कर आशा जो है जल्दी चलिए जल्दी जानते हैं आपको किस कारण से हम लोग बुलाए हैं? किस प्रकार से बुलाए हैं? सुन लीजिए, क्या बोला बोला ए आप लोग बोलते हैं किस भाषा में बोलते हैं हमें पता नहीं लग रहा है। आप लोग का क्या भाषा है? टाइ टाइ करते हैं बताइए, हम लोग का समझ में नहीं आता है। बहन के ए लोग का भाषा हमें लकड़ी द्वारा देखना होगा। आप पूछिए, अरे ए लोग का भाषा मैं समझूंगा, आप पूछिए मैं भाषा समझूंगा। हम लोग का पता नहीं लगता है। अरे टाइ टाइ कहता है, टाइ टाइ का मतलब क्या है?
टॉय टॉय करे तो हम पंखे पे और दबोच रहे हैं। क्या कर रहा है जोरीदार? क्या क्या बोल रहा है ये लोग?